फ्रेंड्स, वेलकम यू टू माय चैनल लता व्लॉग। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का चीला। तो आप लोग बने रहो, सूजी का चीला कैसे बनाते हैं आप लोग देखना। मैंने ये 1.5 कप सूजी लिया है, इसमें मैं आधी कटोरी दही डाल दूँगी। ज़रा से और ले लेते हैं। ये डालने के बाद फिर इसमें मैं प्याज और ये शिमला मिर्ची, प्याज और शिमला मिर्ची मिक्स कर दूंगी। उसके बाद हम टमाटर और हरी मिर्च बारीक कटी हुई मिक्स कर देंगे। इसके बाद मसाले डालेंगे। फ्रेंड्स, मसाले देखिए, इसमें हम नमक स्वादानुसार, चिली फ्लेक्स, ज़्यादा नहीं, अपना स्वादानुसार, ज़्यादा मिर्ची वगैरह नहीं होनी चाहिए भाई, क्योंकि बच्चे खाते हैं। फिर थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा, ज़रा सा ही, थोड़ा सा गरम मसाला स्वादानुसार, हल्की सी हल्दी। इन सबको मिक्स कर देंगे ज़रा सा पानी डाल के। मैंने आधी कटोरी के करीब पानी डाल दिया है और इसको खूब सारा मिक्स कर दिया है। इसके बाद डालेंगे हम हरा धनिया। देखिए, तवा हमारा रेडी हो चुका है। इसके बाद हम डालेंगे पेस्ट। अब हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है। एक बड़ा चम्मच लेंगे सब्जी वाला और इसको धीरे से तवे पर डाल देंगे। जब तक के नीचे से ब्राउन नहीं हो जाता तब तक इसको नहीं पलटेंगे, तब तक ऐसी मंडी आती ही रहेगा। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा चिल्ला ब्राउन हो चुका है, हमारा चिल्ला रेडी हो चुका है। अब हम इसको उतार देंगे और ऐसे ही दूसरा चिल्ला डाल देंगे। जरा सा तेल ला देते हैं। ये देखिए, चम्मच भर के मैंने डाल दिया। बीच में मोटा नहीं डालना चाहिए, कुछ बीच में गिरा था ना, ऐसे धीरे 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 इसको फैला देंगे। पूरा फैलना, बीच में से मोटाई खत्म हो चुकी है। मेरा गला बैठा है इसलिए बता नहीं पा रहे। तेज आंच कर देंगे, फुल आंच है, ये देखिए फुल है। ऐसे ही ब्राउन होने तक सेकेंगे, ऊपर से ऐसे तेल डाल देंगे हल्का सा चारों तरफ से। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऐसे ही दूसरा चीला निकाल दिया है। अब इसको ऐसे ब्राउन होने तक सेकेंगे। ये देखिए नीचे से वाइट है, अभी सिका नहीं है। फ्रेंड्स, अगर पसंद आई है तो वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।